चंद्रपाल जी को उतारा और वहां 24,052 वोटों से उसी प्रत्याशी को हराया जो इस्तीफा देकर के बीजेपी में गया था। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी के रूप में उभर रही है जो आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी ज्यादा तरक्की इतने कम समय में भारत में किसी दूसरी पार्टी ने नहीं की, जितनी तरक्की आम आदमी पार्टी कर रही है। विधानसभा स्तर पर ले लो, लोकसभा स्तर पर ले लो या नगर पंचायत स्तर पर ले लो, हम लोग आज यहां जो इकट्ठा हुए हैं, हाल ही में चुनाव आने वाला है नवंबर या दिसंबर में, उसमें हमारी पार्टी सभी नगर निगमों, सभी नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में अपने अपने प्रत्याशी तलाश कर स्वच्छ छवि के व्यक्तियों को टिकट देगी, उसमें उनको दावेदार बनाया जाएगा। चुनाव जीतकर आने पर पार्टी के जो गाइडलाइन है वो आ चुकी है, शायद फौजी भाई के पास इस समय है, वो आपको इस बारे में अवगत कराएंगे कि पार्टी चुनाव जीतने के बाद जनता को जो फायदे पहुंचाएगी उसमें हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और तमाम छोटे छोटे जो टैक्स नगर पालिकाओं में चल रहे हैं उसके संबंध में हमारे फौजी भाई आपको अवगत कराएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब को। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित मुजीब भाई विधानसभा भोजीपुरा, देखें कितने सिंपल सिटी हैं, कितने साधारण, कितने शरीफ, और उसके बाद शुरू से ही लगे हुए हैं। कई मीटिंग आपने देवनिया टानेरिया में कराई, मैंने देखा 100-100 लोगों से ज़्यादा वहाँ पर स्टैंड थी, ठीक। लेकिन आजकल जमाना ऐसा है जो जितना सीधा सच्चा निष्ठावान है मोस्टली लोग कहते हैं इसका। भाइयों को नमस्कार। भाइयों आज हम यहाँ अपना अपना कीमती समय अपना काम छोड़कर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सभी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके साथ साथ सामाजिक काम, घरेलू काम जो हम उनको हुआ खोज भी अदा करना भी एक हमारा एक संघर्ष, जीवन संघर्ष हुआ, ये हमारा पार्ट है। भाइयों आगे आने वाले जो निकाय चुनाव हैं उसके संदर्भ में हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर पार्टियों की विशेष हमारी पार्टी की विशेषताएं बता रहे हैं सबको, और जागरूक के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़ने का संपर्क लें, आम आदमी पार्टी के विचारों पे चलने की कोशिश करें और अच्छा मार्गदर्शन तलाशने की कोशिश करें। भाइयों मैं लोकसभा चुनाव के टाइम से आम आदमी पार्टी जुड़ा हूँ, जब से विधानसभा फिलवाड़ी हूँ भोजीपुरा का, और काफ़ी मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। 125 गांव लगभग मैं अपने भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के घूमा हुआ हूँ, और काफ़ी संघर्षरत रहता हूँ पार्टी के लिए, क्योंकि इसमें जो सच्चाई का एक मार्ग दर्शन जो आम आदमी पार्टी ने दिया है, इसकी में कुछ खूबियाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं जिनको समझ नहीं दूर रहते। एक शायद देश हुआ, एक क्षेत्र हुआ, हमें जो है हमारे ऊपर जो झूठ बोल कर अगर के साथ हमें बहका कर हमारा वोट ले लेते हैं, और कहना चाहिए कि हमें गुमराह करके और हमारे ऊपर फिर सख्त मतलब वो हमें रेप साथ जो है फिर विश्वास खोया जाता है चीज का, कि हम फिर किस पर विश्वास करें, तो हमारे साथ धोखा दही होती है। पहले मोदी जी ने कहा था कि हमारी पार्टी जीतेगी तो विदेशों से काला धन वापस आएगा, फिर हर खातेदार के
खाते में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। अब पार्टी सत्ता में आई और कुछ दिन चलने के बाद नोटबंदी कर दी गई। एक 500 का, 1000 का नोट मैं कागज का टुकड़ा बताया गया।